एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं घर आ चुकी हूँ और आपने मेरा ट्रैवल ब्लॉग देखा होगा। हम दिवाली में अपने घर आए थे और ये है निक्की मेरी देवरानी, जिनके बारे में मैंने अपने पिछले ब्लॉग में और कई सारे ब्लॉग में मैंने इसका जो है चर्चा किया हुआ है कि ये मेरी देवरानी है। तो इनसे फाइनली मेरा मिलना हो चुका है और हम लग चुके हैं अभी होली के प्रिपरेशन में। तो मैंने पहले भी बताया था कि मम्मी पापा छपरा थे, तो हम छपरा ही आए थे। अब हम स्पेशली होली सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं अपने घर, अपने गांव। तो अभी हम निकल रहे थे और सब पैकअप कर रहे थे, तो फटाफट से हमने सब पैकअप कर लिया है। हमारा सारा सामान गाड़ी में जा चुका है। अब हम और निक्की जाते हैं घर, तो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। देखते हैं क्या करना पड़ता है, जाके कितने प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। तब तक के लिए आप ब्लॉग में बने रहिए। अभिषी भी नींद गए, इनके पापा भी रेडी हो चुके हैं और गाड़ी पूरा सेट कर दिया है। होली के अब एक घर से दूसरे घर के जाने की तैयारी। हाथ नीचे करो, निक्की नहीं आ रही। तो भी गांव वाले घर जाके देखते हैं कितना धमाल हम लोग कर पाते हैं। इधर चेहरे पे अलग चमक है और इधर एक एक्स्ट्रा चमक है। मम्मी अभी सब लॉक कर रहे हैं। लॉक करने के बाद जस्ट हम फटाफट से निकल जाएंगे। सब सामान रख चुके हो ना? सब सेटअप, इन लोगों का डायपर सेटअप में ऑलरेडी मैं बहुत तेज हूं, सेटअप हो चुका है। चलो उठा लो। और यहाँ से हम सब गाड़ी पे बैठ के निकल लिए अपने गांव की तरफ फाइनली। यहाँ मम्मी भी बैठ रहे हैं। अब हमारी गाड़ी खुल गई, अब हम जा रहे थे फाइनली अपने गांव। और यहाँ पे जाते जाते रास्ते में हमें दिखा सब्जी का शॉप, तो ये और मम्मी यहाँ से कुछ होली के लिए हम अच्छी अच्छी सब्जियाँ खरीद रहे थे। जहाँ ये देखिए सब्जी लेके इन्होंने जिम करना वहीं स्टार्ट कर दिया, वो दिखा रहे बॉडी। सब्जी लेने के बाद हम घर के रास्ते निकल लिए। तो हम अब आ गए हैं फाइनली अपने गांव और ये है हमारा गैरेज, मतलब घेरवानी कह लो अपनी भाषा में। तो घेरवानी में ये देखिए, ये भी गेट खोल रहे हैं। प्रिशु भी जग गई है घर जाने के लिए। प्रिशु का एक्चुअली फर्स्ट टाइम है घर जाने के लिए। सामान अभी अंदर ही है, मम्मी गई हैं अभी, मम्मी लॉक खोलेंगे। अब हम लोग भी एंटर करेंगे तो देखेंगे घर की क्या हालत है। घर एक्चुअली 3-4 महीने से तो बंद है, मम्मी आए ही नहीं है। सामान निकालो, उसको दे दो मुझे। कुछ 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 उठ गई अभी, दोनों साथ में ही उठ गए। दोनों जम के सोए हैं गाड़ी में, नींद दे रहे थे साथ में। एक घर से दूसरे का डिस्टेंस इन्होंने सोकर तय किया। आप लोग प्रशिता का वेलकम करो, क्योंकि प्रशिता का फर्स्ट टाइम है अपने गांव वाले घर पर। हम काफी खुश हैं कि हम लोग होली सेलिब्रेट करने एक साथ आए हैं। हम गाँव में है ना, हम अपने घर पे हैं। तो ये रहा हमारा घूंघट। हम और भी चीज़ें शूट करते बट अभी पॉसिबल नहीं है और रात भी हो गई है ना। ये है हम लोग का द्वार, आपने पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा। काफ़ी लेट हो गया इस वजह से, सब अंधेरा, लाइट ऑफ है, सब अंदर चल के सो चुके हैं ना बाबू। बाबू नहीं तो निकल खाए वाला सामान। ये ऊपर जो ये दिख रहा है ना, गणपति और वो कृष्ण भगवान। हाँ लेट ही सही, बट अटेंड आपने किया। अभी से क्या अन्नप्राशन, लाइट ऑन, फर्स्ट नंबर। ये देखिए हम घर आ गए। हम लोग आ गए प्रिशु एंड मेरा बच्चा इन लोगों को आपके रूम में एक बेड पे कर देंगे, उसके बाद फटा सा कुछ कुछ तो फटा करना है। क्या ढूंढ रही है मम्मी? चप्पल, चप्पल लवाई, चप्पल लाओ। तो हमने भाई निकी का चप्पल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। निकी का चप्पल भाई, मम्मी भी चप्पल दिखा रहे हैं कि ये मेरा भी चप्पल देखो भाई, दिखा एक बार इधर। सो हमने हम दोनों ने मुंह पे ये पट्टा बांध के क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी डस्टिंग करना है क्योंकि हमें बनानी है अभी रोटी। कल की डस्टिंग जो है वो कोई मम्मी आदमी बुलाएंगे और वो करेगा। फिलहाल हमें किचन की कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ हम किचन की कर रहे हैं और ये खासकर जो स्पेसिफिक एरिया है ना गैस का, बस हम उसका ही कर रहे हैं। हमें बनाना है होली स्पेशल, दही बड़े और हमें क्या,
पकवान पुआ मालपुआ जितने मतलब व्यंजन हमारे यूपी बिहार में होली में आइटम बनते हैं ना वैसा कुछ। तो ये रॉबरी वाली जो लुक दिख रही है ना ये सिर्फ डस्टिंग के लिए है। कौन सा ये वाला? ये छोटू, ये छोटू मम्मी वो मेला से उठा के लेके आए। अब निकी आटा गूंथ रहे हैं, तब तक ये क्या इन दोनों को संभाल रहे हैं कार्टून दिखा दिखा के। कैसे भी बस मैनेज हो जा रहा है। मम्मी बाकी का जो उधर रूम में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे जो बिखड़ी पड़ी हैं तो जरूरत की चीज़ें मम्मी देख रहे हैं। इन लोगों को तब तक कार्टून दिखाओ ठीक है, क्योंकि पापा को थोड़ा खाने में लेट हो। सबसे बड़ा वर्क भैया कर रहे हैं, सबसे बड़ा ये एक बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है एंड बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखिए राजमे की सब्जी निक्की ने सुबह ही बनाया था तो हम ये छपरा से पैक करके लेके चले आए ताकि हमें डिनर में काम आएगा। फटाफट से इन्होंने आटा किया, रोटी निकल गई, सब्जी निकाल के दे दिया पापा को खाना। ये पानी इसके लिए क्या तो गर्म हो जाएगा ना, हो गया हमारे आरओ में चीटी हो गई है, आरओ में चीटी हो गई है तो अभी सब पानी निकल रहा है। आ रहा है अभी चीटी, जल रही है, जा जल गई लॉक के चक्कर में। देखो ना देखो तो जल रहा है क्या है, जा सच में जल रहा है। कोई बात नहीं है हम लोग खा लेंगे। और आज हम खा रहे मेथी के पराठे, मेथी नहीं ना अजवाइन के पराठे। वीडियो चल रहा है उसमें मुंह क्या देख रहे हो थोड़ी निकू को वीडियो के माध्यम से देखकर मैं ठीक दिख रही हूँ। हाँ लड़कियों का ऐसा हुआ है कि कहीं भी मेरा दिख रहा है अपना फेस ना देखे। जनरली वीडियो कॉल भी आता है तो उसका बड़ा करके पहले हम देखते हैं खुद को कि अच्छे दिख रहे हैं। नहीं हम लोग ना बाहर भी आते तो कोई अगर मुझे हमें मिरर दिख गया तो सबसे पहले मिरर में ही जाके। सो पापा ने खा लिया, मम्मी ने खा लिया, अब हम तीनों का डिनर बाकी है। हम कैटरिंग वाले हैं ना, लास्ट में खाएंगे, बच जाएगा तो खा लेंगे है ना। गप्पे कर रहे थे ना तो पता ही नहीं चला, निकी ऐसे घी लगा देगा मैं बेलती गई तो पता ही नहीं चला। अभी इनका खाना बाकी है, ऐसे इतना बड़ा मुंह देख के तो पता ही चल गया होगा खाना बाकी है, भूख तेज लगी है। आपको दे देती खाना, खा लो, खाने के बाद फिर हम लोग खा ही लेंगे तो डिनर करना है। बच्चों का भी डिनर लगभग हो चुका है एंड हम खाने के बाद दादा दादी के साथ खाया, साथ में थाली में ही खा लिया और लोगों ने भी आज डिनर जो है काफ़ी इंजॉय किया और वो काफ़ी एक्साइटेड थे एक गेट टुगेदर खाया है इस वजह से, एक गेट टुगेदर की वजह से। और फिर उनको ना जैसे बच्चों को क्या न्यू न्यू प्लेस से वो काफ़ी खुश होते हैं, उनको न्यू न्यू जगह न्यू न्यू चीज़ें तोड़ा फोड़ी विंडो पे चढ़ना उतरना। तो सर उनका घर है ना तो क्या है ये बाबू का नया खिलौना स्टैंड पे से निकाला, बटन स्टैंड से टॉयज भी लाए हैं लेकिन हम लोग निकालेंगे बच्चों के टॉयज। घर में बहुत सारे सामान है जो इनके टॉयज के सामान बन जाता है ना। चलो हम लोग भी डिनर करेंगे ना, ये रह रही है और ना ये रह रही है। तो अभी हमने क्या दिमाग लगाया कि हमारा डिनर करना बाकी है तो बस वही लास्ट काम बाकी था तो हम डिनर करने जा रहे थे। अरे भाई तो निकी ने एक दिमाग लगाया सॉलिड सा, ये देखो नानी तेरी मोरनी लगा दिया, प्रिश्ता भी देखेंगे और बाबू भी देखेगा है ना, तब तक हम फटाफट डिनर कर लेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से खाया जा रहा है, भूख कितनी तेज लगी है। घर के 3/4 हिस्सा के खाना ये दोनों मिलके खा जाते हैं, 1/4 में मैं पापा और मम्मी मैनेज करते हैं। कम बड़ा था ना ये लो इसमें देखो तो उन्हें देखिए भोज में खाते ना
पूरी बुनिया नहीं, क्योंकि हम लोग डाइटिंग पे हैं, मोटे हो जाएंगे। प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन हमने राजमा डिनर में लिया, चलो एक प्लेट राजमा लेकर बैठे हैं और 50 रोटी, 25 रोटी उनके लिए, 25 रोटी इनके लिए। डबल टेस्ट प्लस डबल डाइट, और हाँ डबल डाइट हो जाती है। मैं एक्स्ट्रा भाभी के साथ खा रही हूँ। हाँ ये डाइटिंग पे फिर मैं आई थी तो दो और तीन अभी मैं डाइटिंग वाइटिंग सब खत्म, मैं पतली हो चुकी हूँ। मैं जाने के पहले कितने पहले से डाइटिंग में थे? दो दिन पहले से डाइटिंग में थे। तो 3 दिन तो मुझे आए हुए, तो माइनस हो गया। तो आज बताना, आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? किचन क्लीनिंग ब्लॉग, होली में हमने कैसे एंटर किया घर में, कितना फार एंट्री था ना हमारा। हमने डस्ट से पहले तो होली खेली है। पहली होली हमारी वैसे ही हुई थी, ऐसा देखा ना रॉबरी वाला लोग। बिल्कुल। तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले ऐसी बूम वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय बाय।